जिस गाने ने लता मंगेशकर को एक पहचान दी, जिस गाने ने पंडित नेहरू की आंखों में आंसू ला दिए, उस गाने को जिसने लिखा उसको ही लोग भूल गए जब इस गाने को पहली बार परफॉर्म किया गया। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लेकिन याद नहीं किया गया था कवि प्रदीप को जब इस गाने की पहली परफॉर्मेंस हुई थी। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस। मैं हूं राहुल, ये है 70 MM विद राहुल। ऐ मेरे वतन के लोगों, ये गाना कवि प्रदीप ने लिखा था। इस गाने को परफॉर्म पहली बार लता मंगेशकर ने किया था और इस गाने को म्यूजिक दिया था सी रामचंद्र ने। इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी 1962 में और जो जवान शहीद हुए थे उनके बारे में पढ़ के कवि प्रदीप का मन बहुत बेचैन हो गया और उनके मन के अंदर के कुछ भाव इस तरह से निकले कि देश के वासियों, आप उन जवानों की जो सैक्रिफाइस है या उन जवानों का जो बलिदान है या उन जवानों की जो कुर्बानी है उसको ज़रा याद करिए और समझिए कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। इस बात को कवि प्रदीप सोच रहे थे और वो शब्द कि क्या लिखना है वो कवि प्रदीप के मन में तब आए जब वो सुबह सुबह मुंबई के माहिम बीच पर टहल रहे थे और जैसे ही शब्द उनके मन में आए इस गाने को लेकर उन्होंने एक मॉर्निंग वॉकर से पेन उधार लिया और अपने सिगरेट की पैकेट के ऊपर इस गाने की पंक्तियां लिखी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस देशभक्ति गीत को लिखने के कुछ दिन बाद ही कवि प्रदीप के पास आए फिल्म मेकर महबूब खान, जो एक फंड रेजर ऑर्गेनाइज कर रहे थे, पैसा इकट्ठा कर रहे थे ताकि प्रधानमंत्री के रिलीफ फंड में फिल्म मेकर्स की तरफ से कुछ पैसा दिया जा सके ताकि इंडिया चाइना की इस लड़ाई में बॉलीवुड वालों का या फिल्म वालों का भी कुछ योगदान नजर आए। कवि प्रदीप के पास फिल्म मेकर महबूब खान ने एक रिक्वेस्ट की कि आप एक पेट्रियोटिक देशभक्ति से भरा गाना लिखिए। प्रदीप जी के पास वो गाना ऑलरेडी रेडी था, उन्होंने ये चैलेंज स्वीकार कर लिया। कवि प्रदीप ने अपनी लिखी हुई लाइनों को धुन में पिरोने के लिए सी रामचंद्र को चुना और उस समय सी रामचंद्र एंड लता मंगेशकर की लड़ाई हो रखी थी, बातें नहीं होती थी, इसलिए सी रामचंद्र ने आशा भोसले को चुना इस गाने को गाने के लिए। कवि प्रदीप को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा नहीं, इस गाने को मैं चाहता हूं कि लता मंगेशकर ही गाएं। और फिर कुछ बहसबाजी के बाद ये डिसाइड हुआ कि इस गाने को लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों गाएंगी। लता मंगेशकर ने सिर्फ ये शर्त रखी कि जब मैं प्रैक्टिस करूंगी, रिहर्सल करूंगी इस गाने की, तो मैं नहीं चाहती कि मैं सी रामचंद्र के साथ अकेले प्रैक्टिस करूं, मैं चाहती हूं कि कवि प्रदीप आप भी वहां मौजूद रहें। कवि प्रदीप और सी रामचंद्र की मौजूदगी में लता मंगेशकर और आशा भोसले ने इस गाने की रिहर्सल्स की थी, लेकिन जब दिल्ली जाने की बात हुई तो लास्ट मोमेंट पर आशा जी पीछे हट गईं। उन्होंने ये कहा कि बेहतर होगा अगर दीदी अकेले ही ये गाना गाएं। और आशा जी को बहुत मनाया गया लेकिन फाइनली वो नहीं मानी और 26 जनवरी 1963 को नेशनल स्टेडियम दिल्ली में लता मंगेशकर ने ये गाना अकेले परफॉर्म किया। उस दिन स्टेज पर सी रामचंद्र थे, ऑडियंस में इंडिया के प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, पंडित नेहरू थे, अगर कोई नहीं था उस दिन तो वो थे कवि प्रदीप, जिन्हें उस फंड रेजर में आने का न्योता, इनविटेशन ही नहीं मिला था। हे मेरे वतन के लोग, जरा आंख में भर लो पानी, ये शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये
हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ राइटर्स को लोग याद नहीं रखते। पंडित नेहरू ने जब इस गाने को सुना, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने ये इच्छा जताई कि इस गाने के लिखने वाले से मैं मिलना चाहता हूं। तो इस फंड रेजर के 2 महीने बाद मार्च के महीने में पंडित नेहरू जब मुंबई आए थे तो उनकी मुलाकात कराई गई कवि प्रदीप से, जिन्होंने ये गाना गा के पंडित नेहरू को सुनाया और ओरिजिनल लिखे हुए अपने लिरिक्स, इस गाने के बोल जो उन्होंने अपने हाथों से लिखे थे, वो कवि प्रदीप ने पंडित नेहरू को प्रेजेंट भी किए थे। अगली बार अगर आप कोई फिल्म देखें और आपको उसकी कहानी अच्छी लगे, या फिर कोई गजल सुने या कोई गाना सुने और वो आपको भा जाए, तो कोशिश करिएगा कि किसने उसको लिखा है, राइटर कौन है, ये पता करें। ये जो पर्दे के पीछे आर्टिस्ट रहते हैं, उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, isn't it? ध्यान रखिए, खुश रहिए, टाटा।